एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ दुष्यंत। सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ आज सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जो अब से कुछ देर बाद 8:17 पर शुरू होगा। ये सूर्य ग्रहण 296 साल बाद लग रहा है और यह अंगूठी जैसा सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य एक आग की अंगूठी की तरह लगेगा। और ऐसा दुर्लभ सूर्य ग्रहण 296 साल पहले 7 जनवरी 1723 को हुआ था। आज पढ़ने जा रहे ग्रहण के दौरान सूर्य ग्रहण वल्याकार होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य का 97% भाग ढक जाएगा। लगभग 3 घंटे सूर्य ग्रहण होगा। ये सुबह 8:17 पर शुरू होगा और 9:37 पर ग्रहण का मध्यकाल होगा और 10:57 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। सूर्य ग्रहण के मौके पर ज्यादातर मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिरों के कपाट खोलेंगे और दोबारा से पूजा अर्चना शुरू होगी। सूर्य ग्रहण के बारे में विज्ञान क्या कहता है, हम आपको ये भी बता दें कि ग्रहण काल में खाना पीना, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जैसे पूजा पाठ, ये सभी चीजें नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, इस दौरान गुरु मंत्र का जाप, किसी मंत्र की सिद्धि, रामायण सुंदरकांड का पाठ, तंत्र सिद्धि जैसी चीजें कर सकते हैं। तीसरी बात, सूतक लगने के बाद से ही गर्भवती स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण काल में सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक होती हैं। और चौथी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद पवित्र नदियों में स्नान करके शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। पांचवी जरूरी बात कि सूतक लगने से पहले ही घर में मौजूद खाने की सभी वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए। और छठी बात यह है कि यदि आपके घर में मंदिर है तो सूतक लगते ही उसके कपाट बंद कर दें या फिर मंदिरों को पर्दे से ढांक दें। सातवीं बात, मान्यता यह भी है कि ग्रहण के बाद मन की शुद्धि के लिए दान पुण्य भी करना चाहिए। वैज्ञानिक पहलू, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो इस समय सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उस समय सूर्य ग्रहण होता है। इस परिस्थिति में सूर्य पूरी तरह से ढक जाएगा और इस दौरान बाहर की ओर एक रिंग नुमा आकृति बन जाती है जिसे कोरोना मंडल कहा जाता है और इस मंडल से निकलने वाली किरणों की तीव्रता अधिक होती है। तो ये पूरा सूर्य ग्रहण आज रहने वाला है और ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के साथ हमारे साथ विजय आचार्य जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ज्योति महाराज जी, बहुत स्वागत आपका। जी ठीक है, स्वागत जी। आज जो सूर्य ग्रहण होने वाला है उसके बारे में और आपसे जानकारी चाहेंगे ताकि अपने दर्शकों को कम से कम ये मैसेज तो कन्वे कर पाए कि क्या एहतियात बरतने चाहिए। सूर्य स्थानांतरण के स्थान से सूर्य धार्मिक जो पृथ्वी का गोला चक्र होता है इसके लिए समक्ष धर्म स्थल के पूजा पाठ अनुष्ठान तथा योग के स्थान पर सूर्य जो होता है मकर राशि से पृथ्वी के स्थानांतरण पर हर राशि का परिवर्तन देता है। जैसे कि मकर और मंगल पर समय बृहस्पति के साथ ही सूर्य की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छा फलदायक रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए समक्ष और केंद्रीय के स्थान से राजयोग की प्राप्ति होने का पूर्ण योग बनाएगा। पृथ्वी तथा गोले चक्र में पृथ्वी मंगल के स्थान पर प्रतिमा के शोधक स्थानांतरण में रहता है जिसके साथ केंद्र के स्थान से सूर्य ग्रह और चंद्र ग्रह पृथ्वी गोला चक्र में प्रवेश करने से भगवान समस्त स्थानों का संबंधन की मुक्ति प्राप्त करने के लिए धार्मिक स्थल बनाकर स्नान, जमुना स्नान, समक्ष दान प्राप्ति के लिए, समक्ष मूल फल की प्राप्ति के लिए आप लोग सभी को समक्ष केंद्र के स्थान से अपने संशोधन कीजिए जिससे लोगों के कल्याण ही मंगलमय रहे। जैसे गर्भवती स्त्री है उनके लिए समक्ष बंधन के तुलसी के पत्ते हृदय में, मुख में या कहीं भी गंगा जल के साथ में अगर योग करती है तो उनके लिए संतान के समक्ष मूल फल की प्राप्ति प्रदान होगी। तथा मंगल और तुला राशि पर इस वर्ष आपके लिए जो है किसी हर मनुष्य के लिए कुंभ राशि वालों के लिए अनिष्कारक है तथा कन्या राशि वालों के राजयोग पर बृहस्पति धनु सूर्य ग्रहण के बाद मीन राशि पर प्रवेश करेगा। मंगल तथा केंद्र स्थान से जाकर के पृथ्वी तथा समक्ष सूर्य के साथ में प्रतियोग करने से हर राशों पर प्रवेश इस वर्ष मंगलमय रहेगा और इसके लिए कर्क राशि वालों के लिए अनिष्कारक था चोट चपेट भय की प्राप्ति बनी रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए सिंह तथा पत्नी से अनिष्कारक स्वभाव का अधिक
परिवर्तन पड़ सकता है तथा मंदिर पट खोलने से था बंद करने से कुछ भी नहीं होता। मंदिर स्थानांतरण में पूजा पाठ अनुष्ठान से सभी फल की प्राप्ति होती है तथा धर्म सत्य घर परिवार के लिए अपने मुख द्वार पर सूर तथा यंत्र समक्ष लगाने से फल की प्राप्ति होने का फल प्राप्त होगा। जी महाराज जी, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर ज्यादा प्रभाव इस सूर्य ग्रहण का पड़ सकता है। पहला कुंभ राशि पर अधिक है, वृश्चिक राशि पर इस वर्ष राजयोग कुछ प्राप्ति रहेगी, मिथुन राशि पर जो है इस वर्ष जो है कन्या राशि और मिथुन राशि पर दोनों का राजयोग का प्राप्ति होने का पूर्ण योग इस ग्रह का रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए नौकरी की उन्नत प्राप्ति संकेत दे रहा है, वृद्धि प्राप्त होगा। सिंह राशि वालों के लिए संपत्ति के मामलों में अधिक उलझना पड़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए प्रेम संबंध का विवाह का योग बनेगा, नए कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त होगी। मकर राशि वालों के लिए शनि उच्च स्थानांतरण में सूर्य के साथ में प्रवेश होने का पूर्ण योग बना रहा है। मीन राशि वालों के लिए योजना में सफलता था उन्नत की प्राप्ति करेंगे, अधिक क्षेत्र से उन्नत होगी तथा व्यवसायिक लाभ होगा। अगर नौकरी चाकरी का योग है तो उन्हें सरकारी सर्विस का पूर्ण योग बनने का फूल फल की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि वालों के लिए सज्जनों से सहयोग मिलेगा, नौकरी में अधिकतम फल की प्राप्ति होगी, व्यवसायिक क्षेत्र से लाभ उत्तम रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा तथा मेष राशि वालों के लिए इस वर्ष समांतर भाग्य सहायक रहेगी, उन्नत क्षेत्र में अवसर प्राप्त मिलेंगे और मेष राशि वालों के लिए और कन्या राशि वालों के लिए मानसिक तनाव की स्थिति से बचने से सज्जनों का सहयोग मिल सकता है तथा प्रेम संबंध में अधिकतम इस वर्ष उनको लाभ प्राप्त होने का पूर्ण योग बनेगा। सिंह राशि वालों के लिए संपत्ति के मामलों में अलग अलग राशि के हिसाब से अलग अलग प्रभाव लोगों पर पड़ सकते हैं सूर्य ग्रहण के। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया विजय महाराज जी, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। पाक परस्त आतंक